और वहीं मारीपोल के स्टील प्लांट में मची तबाही के बीच लोगों को वहां से निकालने के लिए यूक्रेन की अजोव फोर्स ने मोर्चा संभाल लिया है। अजोव फोर्स यूक्रेन की सेना की स्पेशल यूनिट है जिसे मारीपोल में रूस से लोहा लेने के लिए तैनात किया गया। जिनके सामने रूस की बमबारी से तबाह हुए अजोवस्ताल स्टील प्लांट से लोगों को निकालना किसी चुनौती से कम नहीं था, लेकिन अजोव यूनिट के सैनिकों ने वहां पहुंचकर बड़ी सावधानी से लोगों को मलबे से बाहर निकालना शुरू कर दिया, जिनमें कुछ बुजुर्ग और कुछ बच्चे भी शामिल थे, जिन्हें वहां से निकालकर यूक्रेन की सेना ने एक बस में बिठा दिया। इसके बाद उन्हें उस खंडनुमा जगह से किसी तरह निकाला गया जो कुछ दिन पहले तक एक शहर हुआ करता था। इलाके की ऐसी हालत देखकर उनमें से कुछ के तो आंसू तक आ गए। बताया गया कि खतरे वाली जगह से निकालने के बाद उन्हें एक दूसरी बस की मदद से यूक्रेन की फौज की निगरानी में ज़ापोरिज़्या रवाना किया गया। रूस ने अपने बेहद आधुनिक और खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम S-300 का दम दिखाया। रूस की सेना ने उस इलाके का एक वीडियो भी जारी किया जहाँ इस सिस्टम को तैनात किया गया, जिसमें दिखाई दिया कि रूसी सेना का एक शक्तिशाली रडार स्टेशन और S-300 एयर डिफेंस सिस्टम एक सुनसान इलाके में तैनात किया गया। जिस जगह पर रूस के बेहद ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया गया, वहां कुछ रूसी सैनिक भी हथियारों के साथ दिखाई दिए। दो सैनिक तो कंधे पर रखकर वार करने वाले रॉकेट लॉन्चर के साथ पूरी मुस्तैदी से वहां खड़े नजर आए। इसके बाद एक सैनिक उस बख्तरबंद गाड़ी में घुस गया जिसके ऊपर एयर डिफेंस सिस्टम को फिट किया गया, और फिर ये दिखाया गया कि रडार की सीमा में आए किसी लड़ाकू विमान या फिर मिसाइल को कैसे पल भर में ढेर कर दिया जाता है। रडार से कमांड मिलते ही गाड़ी के अंदर बैठे सैनिक ने बटन दबाया और एक मिसाइल तेजी से टारगेट की तरफ बढ़ गई। बताया गया कि इस एयर डिफेंस सिस्टम को रूस की सेंट्रल मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में लगाया गया और वहीं पर एक बार फिर इसकी ताकत को परखा गया। यूक्रेन के साथ जारी जंग के बीच रूस ने इसका वीडियो जारी करके एक तरह की चेतावनी भी दे दी, क्योंकि S-300 को दुनिया के शानदार एयर डिफेंस सिस्टम में एक माना जाता है और यह दुश्मन की मिसाइलों और लड़ाकू विमानों को पल भर में मार गिराने की काबिलियत रखता है। यह सिस्टम पूरी तरह से ऑटोमेटेड मिसाइल लॉन्चर यूनिट है जो आसानी से मिसाइलों और लड़ाकू विमानों को ट्रैक कर लेता है, और एक बार टारगेट सेट हो जाने के बाद यह ताबड़तोड़ हमला कर उन्हें तबाह कर देता है। और महाजंग के बीच बूचा नरसंहार का सच अब एक बार फिर सामने आ रहा है। बूचा में मौजूद न्यूज 18 इंडिया के रिपोर्टर जनक दवे ने उस जगह पर पहुंचकर वहां के परिवारों ने बूचा नरसंहार में अपनों को खोया है उनका दर्द जानने की कोशिश की है। आपको दिखाते हैं बूचा से न्यूज 18 इंडिया की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बूचा नरसंहार में 57 लोगों को जो मारा गया, उन 57 लोगों को, ये चर्च है, चर्च की जगह है, चर्च का पिछला जो हिस्सा कहे वो है, वहाँ पर सामूहिक तौर पर दफनाया गया। जो लोग यहाँ पर आते हैं वो यहाँ पर फूल चढ़ा रहे हैं। आज चूँकि आज उनके विशेष उनके लिए प्रार्थना आयोजित की गई थी। डॉक्टर विजय हैं, उनसे पूछेंगे, चूँकि कुछ लोग हैं उनसे बात करेंगे कि दरअसल वो क्या हुआ था। डॉक्टर विजय जरा पूछे कि उस दिन क्या हुआ था। दो बच्चों की एक कहानी बताई जा रही है, वो क्या थी? Зелёный коридор, который дали, вы говорите? Да, первые, да, колонны их расстреляли в зелёном коридоре. Расстреляли это кто? Русские фашисты. इनका कहना है रशियन फासिस्ट जो थे उन्होंने ग्रीन कॉरिडोर दिया था उनको पार करने के लिए, और जैसे ही वो फैमिली निकली उनको शूट कर दिया गया था। अब देखिए कहानियाँ कैसी कैसी है। छोटे दो बच्चे जी बताए ये कह रहे हैं कि जब निकले थे वो लोग गाड़ी में तो उस पर लिखा हुआ था देती, जिसे कहते हैं बच्चे, चिल्ड्रंस आर ऑन बोर्ड, और वाइट कलर का उन्होंने बांध रखा था कि प्लीज़ डोंट शूट हियर। देखिए क्यों रूसी सैनिकों और ख़ासतौर पर पुतिन पर वॉर क्रिमिनल की बातें छिड़ी जा रही है, कही जा रही है, उसकी कारण यही है। बता रहे हैं कि दो बच्चे 4 और 9 साल के, उनको बकायदा ग्रीन कॉरिडोर देके बाहर निकलने के लिए बात कही गई थी, बावजूद दोनों बच्चों को मारा गया। उस व्हीकल पर चिल्ड्रन ऐसा लिखा हुआ था, बावजूद उस वैन को निशाना बनाया गया और उन बच्चों को यहाँ पर दफनाया गया। आखिर में इस तरीके की कहानी बूचा में जहाँ पर जाएंगे, इन परिवारों की ऐसी ही कहानी लगातार सामने आती रहती है। और ये परिवार के सदस्य है जो यहाँ पर आज बूचा का ये जो चर्च है वहाँ पर पूजा के लिए आया है, रोज़ आते हैं, रोज़ इसी जगहों पर इस तरीके से फूल चढ़ाते हैं। और वहीं पुतिन की सेना के साथ 70 दिनों से चल रहे युद्ध के बीच यूक्रेन ने ये दावा किया है कि रूस अपने सैनिकों